हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम नोट्स फीचर के बारे में। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नोट्स फीचर नहीं शो कर रहा है, अब तक के बहुत सारे लोगों को शो कर रहा है। तो नोट्स फीचर अगर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या सेटिंग करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप देख सको। सबसे पहले हम लोग सेटिंग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे देखने मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टाग्राम टाइप करके सर्च बार में टाइप करके ओपन कर लेंगे। इंस्टाग्राम जैसी आप यहाँ पे टाइप करोगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ओपन करने के बाद आपको इंस्टाग्राम में स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन देखने मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लियर कैच, क्लियर डेटा दोनों यहाँ पे क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लियर डेटा पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ शो करेगा, दिस ऐप डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस इंक्लूड फाइल सेटिंग डेटाबेस एंड अदर ऐप डेटा। और नीचे ओके और कैंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टाग्राम का डेटा क्लियर कर देना है। इससे आपका एप्लीकेशन न्यू और फ्रेश हो जाएगा और जो भी आपको यहाँ पे बग्स आ रहे थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है पहली सेटिंग जहाँ पे हम अपने ऐप का डेटा क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको सेटिंग का दूसरा स्टेप बताता हूँ, आपको यहाँ पे सेम टू सेम फॉलो करना है। यहाँ पे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे और इंस्टाग्राम टाइप करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार हम लोग अपडेट करना भूल जाते हैं और इसके वजह से आपको नोट्स वाला फीचर शो नहीं करता है। इसके लिए अपडेट कर देना है आपको। और अगर यहाँ पे आपको ऑलरेडी ओपन लिखा हुआ शो करता है, इसका मतलब यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम ऑलरेडी अपडेटेड है। आप दोस्तों यहाँ पे हमने अपडेट भी कर लिया है, फॉर एग्जांपल अपडेट करने के बाद आपको इंस्टाग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन मैंने कर लिया है। यहाँ पे नोट्स का फीचर आपके मैसेज वाले कॉलम में दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम में नोट का यहाँ पे फीचर्स दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एक नोट्स यहाँ पे शेयर करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल कुछ भी टाइप कर देता हूँ, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, ऐसा टाइप करके मैं नोट्स को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे नोट्स वाला फीचर मिल गया है और दिखा भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अब भी नहीं दिख रहा है नोट्स वाला फीचर, तब आपको यहाँ पे लास्ट में क्या करना है ये बता देता हूँ। प्रोफाइल के आइकॉन पे जाना है, थ्री लाइन पे जाना है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करना है और रिपोर्ट अ प्रॉब्लम कर देना है। आपको एक प्रॉब्लम हमको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ वो यहाँ पे आपको लिख लेना है, या फिर अगर आप खुद से भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आपको यहाँ पे नोट्स वाला फीचर नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग अ नोट ऑप्शन इन माय इंस्टाग्राम, प्लीज़ सॉल्व माय प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। इतना आपको यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम में टाइप करना है। और अगर आप यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड करके भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल थैंक यू लिख के आपको ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन देखने मिलता है। जैसी रिपोर्ट आपकी रेडी हो जाती है आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कि दोस्तों क्लिक करने के बाद सेंड अ रिपोर्ट का ऑप्शन है, उस पर सेंड कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, थैंक यू, योर फीडबैक हेल्प मेक इंस्टाग्राम बेटर फॉर एवरीवन। अब यहाँ पर गाइस आपको इंस्टाग्राम की तरफ से, कस्टमर केयर की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा और वो लोग जल्द से जल्द आपकी यहाँ पे नोट्स वाला फीचर जो आपको नहीं शो हो रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और नोट्स वाला फीचर शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग्स आपको बता दिया है कैसे कैसे फॉलो करना है। उसके बाद 100% आपका यहाँ पे नोट्स वाला फीचर शो होने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी दोस्तों, तो यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको इसी से रिलेटेड इंस्टाग्राम की किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, बिकॉज आपके लिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे हम लोग न्यू टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। ओके बाय।